मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने तीन बेटियां दी उसने उनको डोली में बिठाया तो जन्नत में यूं हो जाएगा। सुभान, यानी ये मैं हूं और ये मेरा उम्मती, तीन बेटियां। अल्लाह एक सहाबी का भला करे, कहने का या रसूल अल्लाह जो तीन ना हो दो हों, का कोई नहीं, जो दो को डोली बिठाएगा वो भी ऐसे ही होगा। एक का अल्लाह भला करे, कहने का या रसूल अल्लाह एक ही हो, अगर काम ही कोई ना हो। फिर आपने कहा जो एक को डोली में बिठाएगा वो भी जन्नत में यूं हो जाए। हमारे तो पूरे मुल्क में बेटियों के लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं, सब कुछ भाई खा जाते हैं। और हमारे जमींदारों में बड़ा जुल्म है, नौकरानियों से जेली अंगूठे लगवा के ज़मीन पे कब्जा, और वो बहनें भी इतनी सब्र वाली हैं, वो चुप करके सह जाती हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलती। कभी कभी कहीं कोई आवाज़ सुनने को मिलती है कि कोई केस कूस करवा लिए, वरना वो बेचारी सब्र से कड़वा घोंट पी के चली जाती हैं। मेरे नबी ने बेटियों की विरासत रखी, मेरे रब ने बेटियों की विरासत रखी, और विरासत ना देना बेटी को बहन को ये इतनी बड़ी चोरी है जितना किसी घर में जाके चोरी करना, किसी बैंक में जाके डाका डालना। अल्लाह ने दो बेटियां नहीं दी, दो बहनें दे दी। उसने अपनी बहनों को बेटियों की तरह पाला और शादी की और डोली में बिठाया, और जो बाप की तरफ से हक बनता है उनके घर पहुंचाया। तो मेरा नबी ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया।